वेलकम टू योर चैनल सुपर 40 माई सेल्फ रिम्पा दास एंड आई एम अगेन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस एंड द नेम ऑफ माई चैप्टर इज आवर बॉडी एंड इट इज द फिफ्थ चैप्टर. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस कंसंट्रेट ऑन द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज आवर बॉडी, मतलब हमारा शरीर. बॉडी मीन्स क्या होता है? वॉट यू मीन बाई बॉडी? हमारा शरीर. तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम लोग अपने शरीर के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब क्या होता है, कैसे होता है, वो जानने से पहले एक कुछ चीज़ें हैं जो हम बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी. जैसे मान लीजिए कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है? वॉट इज़ अ कंप्यूटर? अगर आपसे कोई पूछता है दैट स्टूडेंट्स टेल मी वॉट इज़ कंप्यूटर, तो आप क्या कहते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर, कहते हैं ना. और ये भी कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत सारा काम करता है, लंबे समय तक काम करता है बिना थके, उसको किसी रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है. वैसे ही हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है वो क्या है? यस, इट इज़ अ मशीन. क्या है ये? एक मशीन है. क्या है? मशीन है. अब आप कहेंगे कि मैम बॉडी हमारा मशीन कैसे हो गया? तो कैसे हो गया? हमारा बॉडी भी बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है हमें ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है. और एक टाइम पे वो बहुत सारे काम कर सकता है और दिन रात काम करता है. जैसे मान लीजिए एक टाइम पे ढेर सारे काम, आप कहेंगे कि कैसे पॉसिबल है? तो कैसे पॉसिबल है, मान लीजिए आपने एक बुक होल्ड किया है अपने हाथ में उसको पढ़ने के लिए. सपोज यू हैव टेकन अ बुक, ठीक है. अब जब आप बुक को हाथ में लेंगे इसको पढ़ने के लिए, तो आप इसको रीड करेंगे, करेंगे ना. जब इसको रीड करेंगे तो क्या होगा? आपका माउथ वर्क करेगा, आपका टंग काम करेगा, आईज उस जो लिखा हुआ है उसको देखेगी, आपकी ब्रीदिंग कंटिन्यू चलते रहेगी, है ना, और आपको सुनाई भी देगा. तो क्या हुआ, एक टाइम पे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स काम करने लगे. एक टाइम पे जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारा काम कर रही है, पढ़ने का, देखने का, सुनने का, सांस लेने का, बहुत सारा काम कर रही है. तो यही होती है हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है, ऐसे होती है. मतलब क्या कि वो एक टाइम पे बहुत सारा काम कर सकते हैं और वो दिन रात मेहनत करते हैं. अब दिन रात मेहनत करते हैं मतलब, जब आप मान लीजिए सुबह सो के उठते हैं तब से लेकर रात में जब तक सो नहीं जाते आप काम करते हैं, करते हैं ना. लेकिन रात में सोने के बाद भी आपकी बॉडी काम करती है. तो आप कहेंगे मैम रात में सोने के बाद बॉडी कैसे काम कर सकती है? बेटा जब आप सो रहे हैं रात में तो आपकी सांसें चलती रहती है ना, दिल की धड़कनें भी धक धक करती रहती हैं, हार्ट बीट भी आपके चलते रहते हैं. तो क्या हुआ, रात में भी आपके बॉडी ऑर्गन काम कर रहे हैं, ठीक है. और जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं ये बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों तक काम करते हैं बिना रुके. बहुत सालों तक काम करने का मतलब ये होता है कि उन्हें रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कंटिन्यू काम करते हैं. अब आप कहेंगे कि मैम कंटिन्यू कैसे काम करते हैं? तो आप सोचिए कि आपकी जो हार्ट बीट है, ठीक है, आपके जो हार्ट है वो बीट कर रही है, लब डब साउंड होता है उसका, है ना, तो वो बीट कर रही है. अब अगर मान लो वो 10 मिनट 15 मिनट बाद कहे कि अरे यार हम तो थक गए, थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर चलेंगे, तो आपने सोचा है कभी कि क्या होगा? वो जो थोड़ी देर अगर आपकी दिल अगर 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रुक गई धड़कना, तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है. यस, यू विल डाई, आप मर जाएंगे. तो हमें ज़िंदा रखने के लिए हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो कंटिन्यू काम करते हैं और कई सालों तक काम करते हैं, ठीक है. और जो भी हमारे बॉडी में फंक्शनिंग होती है वो उसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और जब वो सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तो हमारी बॉडी अलाइव रहती है. अब हमें हमारी बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग रखना है, हेल्दी रखना है, तभी जाके हम हेल्दी रहेंगे. तो वो कैसे होगा? सो द इम्पॉर्टेंट, द मेन थिंग टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी इज एक्सरसाइज और योगा.
ये दो चीज़ ऐसी है जो हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग रखती है, समझ में आया, और हमें क्या करती है, डिजीज़ फ्री भी रखती है। और हमें हेल्दी और स्ट्रांग रहने के लिए, डिजीज़ फ्री रहने के लिए प्रॉपर डाइट भी लेना होगा, ठीक है, ऐसा खाना खाना होगा जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले हमें। तो ये था एक इंट्रोडक्शन हमारी बॉडी पे। अब आइए देखते हैं कि हमारी बॉडी किस किस चीज़ से, किस किस पार्ट से बनी होती है। तो हमारी बॉडी बनी होती है हेड, नेक, चेस्ट, देन आर्म्स, लेग्स एंड एब्डोमेन। इन सारी चीज़ों से हमारी बॉडी बनी होती है, हेड, नेक, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स, एब्डोमेन से, समझ में आया। अब हम लोग इसके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो हम पहले पढ़ेंगे वो है हेड, आइए देखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, हेड। हेड मतलब सर, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये पोर्शन हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्सा है, सबसे ऊपर है, इसलिए इसको अपर मोस्ट पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपर मोस्ट पार्ट। ये एक प्रोटेक्टिंग कवर होता है ब्रेन के लिए, प्रोटेक्टिंग कवर इन द सेंस कि जो हमारा ब्रेन है हमारे सर के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा हेड, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम कैसे, तो जैसे जब किसी चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना होता है तो हम उस चीज़ को ढक देते हैं ना। मान लीजिए कि आपको कोई सामान गिफ्ट मिला है या कोई ऐसी चीज़ मिली है जो बहुत ध्यान से आपको रखना हो, तो आप क्या करते हैं, आप उसको एक बॉक्स में भर के अच्छे से रख देते हैं या अलमीरा में रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, और वो उसको एक कवर्ड एरिया में रखते हैं ताकि वो सेफ़ रहे। तो वैसे ही हमारा ब्रेन है, ठीक है, हमारे जो भी सोचने की पावर होती है, जो भी थिंकिंग पावर होती है, जो भी थिंकिंग वर्क होता है, वो कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, हेड करता है। प्लस हमारे हेड में बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जिनको भी प्रोटेक्शन मिलती है। हमारे सर के अंदर बहुत सारे ऐसे नर्व्स प्रेजेंट हैं जो हमारी बॉडी से मैसेजेस कैरी करता है ब्रेन तक, और उनको भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहेंगे मैम कैसे मैसेजेस, तो जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप चीज़ों को सुन रहे हैं, आपका कान काम कर रहा है ना, आप सुन रहे हैं, तो आप जो सुन रहे हैं ये मैसेज आपके ब्रेन तक जाती है, और आपका ब्रेन ये मतलब फंक्शन कर रहा है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो आइए एक बार रीड आउट कर ले। हेड, हेड इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अभी मैंने बताया कि हमारे बॉडी का सबसे अपर मोस्ट पार्ट हमारा हेड होता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एंड द नर्व्स, और नर्व्स को, दैट ट्रांसमिट्स इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी से जो भी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं उसको कहाँ तक पहुँचाता है, ब्रेन तक पहुँचाता है, और ब्रेन से हमारे बॉडी तक पहुँचाता है। तो ये काम होता है हेड का, ओके। सो आफ्टर हेड द नेक्स्ट इज नेक। नेक मतलब जो हमारा ये गर्दन वाला पोर्शन होता है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। द नेक कनेक्ट्स द हेड टू द बॉडी, मतलब जो ये नेक होता है ये हमारी हेड को हमारी बॉडी से जोड़ता है, कनेक्ट मतलब जोड़ना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हेड और बॉडी के बीच में हमारा नेक है, तो हमारा हेड क्या करता है, अरे सॉरी, हमारा नेक क्या करता है, हेड को हमारी बॉडी से जोड़ता है। इट बियर्स द एंटायर वेट ऑफ द हेड एंड हेल्प्स इट टू मूव अप डाउन लेफ्ट राइट एंड ऑल्सो रोटेट इट। तो जो हमारा नेक है वो क्या करता है, हमारे हेड के पूरे वेट को वो बेयर करता है, कैरी करता है, ठीक है, और हमारे हेड को मूव करने में हेल्प करता है। मूव इन द सेंस अप डाउन लेफ्ट राइट रोटेशन, ये सारा काम कौन करवाता है, हमारा हेड, अरे हेड करता है, करवाता कौन है, नेक, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नेक इज टू प्रोटेक्ट द नर्व्स दैट सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और हमारे नेक का काम क्या होता है,
हमारे नेक जो होती है वो नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन भेजता है हमारी बॉडी तक, या वाइस वर्सा बॉडी से जो भी इंफॉर्मेशन जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल नेक का क्या वर्क निकला, हमारे हेड के वेट को वो बेयर करता है, कैरी करता है, प्लस हमारे हेड के मूवमेंट में हेल्प करता है, अप डाउन लेफ्ट राइट रोटेशन, और नर्व्स को भी प्रोटेक्ट करता है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, सो आफ्टर हेड एंड नेक माय थर्ड इज चेस्ट। चेस्ट मीन्स ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा। ओके, दिस इज कॉल्ड आवर चेस्ट पोर्शन। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। द चेस्ट कैन बी लोकेटेड ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी और द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी के अपर पोर्शन में चेस्ट लोकेटेड होता है, और इसको मेन पार्ट भी हम लोग कह सकते हैं बॉडी का। क्यों मेन पार्ट कहेंगे, आइए देखते हैं। द चेस्ट कंटेन सेवरल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे चेस्ट में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। टू लंग्स, दो लंग्स विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वी कैन से, एंड द हार्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, इट पंप्स ब्लड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी। That is why it is the main part of the body. Chest is, that is why chest is called the main portion of the body, because it contains two lungs and a heart. The function of lungs is, it is used for breathing or respiration, and heart is used for pumping blood to the whole part of the body. The heart sits in the middle of the two lungs. Do lungs ke beech mein heart rehta hai. Okay? दो लंग्स के बीच में हार्ट रहता है। अब आप लोग कहते हैं मैम हम लोग तो लेफ्ट साइड पकड़ते हैं जब हार्ट बीट फील करना होता है, तो लेफ्ट साइड हम लोग क्यों पकड़ते हैं, हार्ट हमारा लेफ्ट में होता नहीं है, होता वो मिडिल में ही है, लेकिन हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो थोड़ा बल्जी होता है, भारी होता है, और लेफ्ट लंग्स की तरह झुका हुआ होता है। ठीक है, इसलिए जो हार्ट बीट होती है वो हमें इधर फील होती है, समझ में आया। लेकिन उसका जो पोजिशन है वो मिडिल है, इट इज in the middle of the two lungs. The left lung is smaller than the right lung. जो हमारा left lung है वो हमारे right lung के according छोटा है, compared में छोटा है. The lungs and heart are protected by the rib cage. और जो हमारा heart है और हमारा lungs है उसको protect कौन करता है, rib cage करता है। तो एक बार और देख लेते हैं chest क्या होता है। chest हमारे body का upper portion होता है, और ये main portion होता है body का। main portion क्यों होता है, because it contains several body parts, और वो several body parts क्या है, two lungs and a heart. Heart दोनों lungs के बीच में होता है, और जो left lung होता है वो right lung के comparison में छोटा होता है, और heart को और lungs को protect कौन करता है, rib cage करता है। okay, next topic is limbs. limbs क्या होते हैं, आइए देखते हैं। a human being has four limbs. human beings के पास कितने limbs होते हैं, फोर लिम्स होते हैं। कितने लिम्स होते हैं, फोर लिम्स। उसमें क्या क्या आते हैं, टू आर्म्स एंड टू लेग्स। जो हमारा ये दो हाथ और दो पैर होता है, ये साथ में टुगेदरली इसको हम क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बॉडी के बारे में पढ़ा और बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा। बॉडी पार्ट्स में भी किस किस के बारे में पढ़ा, हेड, नेक, चेस्ट और लिम्स। तो ये है मेरा पहला पार्ट इस चैप्टर का। सेकंड पार्ट में आपको आगे के बॉडी पार्ट्स मिलेंगे। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आज का टॉपिक्स आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द सेकेंड पार्ट के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।